दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी माय एआई के ऊपर कि स्नैपचैट पर माय एआई को कैसे लाना है, कैसे हम लोगों को मिल सकता है। बट उसी पे मुझे कमेंट आने लगी कि भाई ये माय एआई को रिमूव कैसे करना है और इसे रिमूव करने का क्या प्रोसेस है। अगर आप जानना चाहते हो सिंपल सा प्रोसेस है, छोटी सी वीडियो की, वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करे करें स्टार्ट। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे रूप नॉल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। बात कर लेते हैं प्रोसेस की। मैं आपको स्नैपचैट में लेकर चलता हूँ। जैसे आप यहाँ पर चार्ट्स पे जाते हो, टॉप में माई एआई आपको देखने को मिलेगा और ये बढ़िया चीज़ है। इससे आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आप पूछोगे वो आपको आंसर करेगा। कुछ भी आप इससे करवा सकते हो, ईमेल राइट करवा सकते हो, शायरी, जोक, जो भी आप करने को कहोगे माय एआई आपको करके देगा। फिर आप इसे हटाना क्यों चाहते हो, मुझे तो पता नहीं क्यों हटाना चाहते हो, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यहाँ पर देखिए माय एआई, और इसके साथ देखिए मैंने बहुत सारे यहाँ पर चार्टिंग कर रखा है, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मैंने चार्ट किया है। और ये कहीं से भी आपको नहीं लगेगा आप रोबोट के साथ यहाँ पर चैट कर रहे हो, और ये आपको प्रॉपर आंसर भी करता है। जो भी आप इससे पूछोगे, जो भी आप करने को कहोगे, ये आपको सब कुछ करके देगा और सही आंसर भी करेगा। जैसे आपको फील होगा आप किसी रियल पर्सन के साथ यहाँ पर बातें कर रहे हो, लेकिन ये बोट है। तो फिर आप हटाना क्यों चाहते हो, चले आप हटाना ही चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर नीचे देखिए चैट है ARG, जैसे मैं ये चैट के ऊपर यहाँ पर होल्ड करता हूँ, यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है चैट सेटिंग, ठीक है, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है चैट सेटिंग। जैसे यहाँ पर मैं चैट सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लियर फॉर्म चैट फीड, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से क्लियर करता हूँ, और ये चैट देखिए यहाँ से हट चुका है, यहाँ से ये हट चुका है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर यहाँ पर होल्ड करता हूँ और यहाँ पर देखिए चैट सेटिंग में आता हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है कि मैं इसे हटा सकूँ टॉप से या फिर ये इंटरफेस से, होम पेज से, कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। तो सीधा सा आंसर है, आप इसे हटा नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ पर कुछ जुगाड़ कर सकते हो। इसे हटा नहीं सकते लेकिन कुछ जुगाड़ है जिससे आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने प्रोफाइल में यहाँ पर आइए, ठीक है। प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट ऑप्शन में आइए, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है क्लियर कैच, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लियर कैच के नीचे क्लियर कन्वर्सेशन, क्लियर माय एआई डेटा, ठीक है, ये देखिए ऑप्शन मिलेगा क्लियर माय एआई डेटा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कन्फर्म कीजिए। जैसे आप यहाँ से कन्फर्म करोगे, ठीक है, और यहाँ से क्लियर कैसे भी कर लेना ताकि ये स्नैपशॉट थोड़ा लाइट हो जाए, हैंग भी ना करे, ठीक है, इंस्टेंट ओपन हो, बस आपको यहाँ पर इतना करना है। जैसे आप यहाँ से करोगे, यहाँ से फिर बैक करती हो, और यहाँ पर क्या होगा ना, जो आपने यहाँ पर चैट कर रखा है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। यानी अगर आपने ऐसे वैसे कुछ चैट किया है वो चैट आप डिलीट कर सकती हो, नहीं तो आप यहाँ से ये माय एआई को आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर में कोई ऑप्शन आएगा फिर मैं आपको अपडेट दे दूँगा, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो सीधी सी बात है, आप इसे हटा नहीं सकते, लेकिन अगर आपने ऐसे वैसे कुछ चैट कर रखा है वो आप यहाँ से हटा सकते हो, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।